Hello students, today I am going to start on page 16 of Flamingo, the second lesson, Lost Spring. Yes, look at my finger. I am going to start. I want to drive a car. मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ. Mukesh insists on being his own master. मुकेश दृढ़ है अपने मालिक खुद बनने के लिए. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. मैं पूछती हूँ कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं कार चलाना सीखूंगा. ही आंसर्स, वह उत्तर देता है. Looking straight into my eyes, सीधे मेरी आंखों में देख करके कहता है. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. उसका जो स्वप्न है, looms, looms का मतलब होता धूमिल हो जाना, like a mirage, मरीचिका की तरह. रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं मिराज. जब रेगिस्तान में जानवरों को क्या होता है, पानी होने का एहसास होता है अपवर्तन के कारण, और वह जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उससे आगे फिर वैसा एहसास उसको, मतलब एक आभास होता है, लेकिन होता नहीं है पानी. वो केवल रिफ्रैक्शन के कारण एक उसको आभास होता है. तो वही चीज है उसके, उसका जो स्वप्न है, लूम्स लाइक अ मिराज, धूमिल हो जाता है लाइक अ मिराज. मिराज मीन्स मरीचिका की तरह. Amidst the dust of streets, उन धूल भरी गलियों में, that fills his town फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद की उन गलियों को धूल से भर देती हैं, उन गलियों के बीच में उसका जो स्वप्न है वह मिराज की तरह धूमिल हो जाता है. लूम्स मीन्स धूमिल हो जाता है. फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यह फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार, हर अगला परिवार जो है चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है. It is the center of India's glass blowing industry where families have. यह जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कांच गलाने का उद्योग. कांच गलाने के उद्योग का केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव, जहां परिवार क्या करते हैं, हैव स्पेंट जनरेशंस वॉकिंग अराउंड फर्नेसेस, जहां पर परिवारों ने जो क्या कर दिया है, खर्च कर दिया, अपना बिता दिया है. जनरेशन्स माने पीढ़ियां बिता दी हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के चारों. वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्डिंग करते हुए. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सीम्स. वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को वेल्ड करते हुए, जोड़ते, जोड़ने को वेल्ड कहते हैं, कांच की चूड़ियों को जोड़ते हुए. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमन, और सारी जो स्त्रियां हैं, सारी स्त्रियों के लिए चूड़ियां बनाते हुए. इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि यह धरती जो है, इस धरती में जितनी भी स्त्रियां, उन सब के लिए चूड़ियां बनाने के लिए वो उस फर्नेसेस के चारों ओर जो है ग्लास को जोड़ते हुए क्या कर रही हैं, उन्होंने अपनी पीढ़ियां बिता दी है. मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है. कोई नहीं जानता, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, न्यू, कोई नहीं जानता, That it is illegal for children, बच्चों के लिए यह अवैध है. Like him, उस तरह के बच्चों के लिए अवैध, अवैधानिक है.
टू वर्क मीन्स काम करना इन द ग्लास फर्नेसेस, उन कांच की भट्टियों में काम करना बच्चों के लिए अवैधानिक है, ये कोई नहीं जानता है। विद हाई टेम्परेचर, इस तरह के ऊंचे तापमान में। इन डिंगी सेल्स, डिंगी सेल्स का मतलब होता है एकदम अंधेरे जो कोठियां कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरे उनको कहते हैं, और गंदे कमरे होते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पर जो है न तो हवा है और न लाइट है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स। तो क्या करते हैं देखो, इन डेंगी सेल्स यानी उन बदबूदार जो डेंगी सेल्स हैं, ये अंधेरी अंधेरे का कक्ष है शेल, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पर जो है बिना लाइट भी नहीं है और हवा भी नहीं है, बिना हवा और रोशनी की गंदी कोठरियां कहता है। डिंगी का मतलब गंदी से मतलब है, ध्यान रखना। इफ एनफोर्स्ड, ये क्या है, ये सब गैर कानूनी है कहता है। इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डिलाइट आवर्स। सेंटेंस लंबा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इफ एनफोर्स्ड, अगर कानून लागू हो जाए कहता है, तो कुड गेट हिम, तो उससे क्या हो जाए, कानून अगर लागू हो जाए तो वे जो 20,000 दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, इन गर्म भट्टियों से बाहर आ सकते हैं कहता है। ये 20,000 जो बच्चे हैं काम कर रहे हैं, द चिल्ड्रन हु आर वर्किंग इन दोस फर्नेसेस, दे कैन कम आउट ऑफ दोज फर्नेसेस, यानी उन भट्टियों से बाहर आ सकते हैं। वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, जहां वो क्या करते हैं, दिन के समय पिसते रहते हैं। डेलाइट मीन्स दिन के समय, स्लॉग माने पिसते रहते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और प्रायः अपनी आंखों की रोशनी को क्या करते हैं, खो बैठते हैं। मुकेशिस आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं। मुकेशिस आईज बीम, बीम का मतलब होता है एक पुंज हो जाना, चमक जाना। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे कि जैसे ही वह स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले जाता है। वॉलंटियर्स मीन्स होता है स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले जाता है, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। तो आगे देखिए, विच ही प्राउडली सेज, जो वह बड़े गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, जिसको, विच का मतलब उसके घर से मतलब है, जो उसने जो है बड़े गर्व से जिसके बारे में कहता है कि इज बीइंग रिबिल्ट, कि यह जो है क्या किया गया है, इसकी दोबारा दोबारा बनाया जा रहा है कहता है घर। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम नीचे को उतरते हैं कूड़े से भरी हुई, कहाँ स्टिंकिंग, हाँ चोक्ड विद गार्बेज, चोक्ड विद गार्बेज मीन्स होता है कूड़े से बंद हुई। स्टिंकिंग लेन्स माने बदबू वाली गलियों में। We walk down, माने हम नीचे उतरते हैं। Past homes that remain hovels with crumbling walls, और आगे जब हम देखते हैं तो टूटती हुई दीवारें, crumbling walls means होता है टूटती हुई दीवारें, और hovels, hovels माने होता है यानी ऐसे दरवाजे, हाँ wobbly doors, आगे देखो wobbly doors, wobbly doors का मतलब होता है ऐसे दरवाजे जो जैसे दरवाजे हिलते हैं ना, पूरा ही कच्चे दरवाजे होते हैं, अपनी दीवार से जो है हट जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो वो पूरा दरवाजा खोलने बंद करने में पूरा ही हिलता है, वो
पूरा उसका जो फ्रेम है वो भी हिलता है, तो उसको वॉबली डोर्स कहते हैं, हिलने वाले दरवाजे, डगमगाने वाले दरवाजे। और क्या है, नो विंडो, जिनमें कोई खिड़कियां नहीं हैं। तो ये क्या होती हैं, पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स। तो वो क्या कहते, क्या क्या रहते हैं, पास से हम गुजरते हैं तो वो झोपड़ियां ही, जो झोपड़ियां हैं अभी, हाँ झोपड़ियां ही रह जाती हैं, कहते हॉवेल्स। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कॉक्सिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, क्राउडेड विद फैमिलीज, परिवारों से भरे हुए, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी ऐसे घर हैं वो, ऐसे घर हैं जिनमें परिवार भी रहते हैं, यानी लोगों का परिवार भी रहता है, एंड एनिमल्स और जानवर भी रहते हैं। कॉक्सिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, कैसे रहते हैं, जैसे आदिम अवस्था में। प्राइमल स्टेट का मतलब होता है आदिम युग में जो है जैसे लोग साथ साथ रहते थे। कॉक्सिस्टिंग का मतलब होता है साथ साथ रहना, जानवर भी आदमी भी। प्राइमल स्टेट का मतलब आदिम युग में, आदिम स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्स, वह एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स ऑफ वॉबली आयरन डोर, और डगमगाते हुए आयरन डोर, लोहे के दरवाजे, डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे को, बैंग का मतलब होता है जोर से, यानी पैर मारता है, जैसे दरवाजे को जोर से धक्का देकर आवाज आती है तो उसको कहते हैं बैंग। बैंग माने जोर से मार देना, पांव से, विद हिज फुट, अपने पांव से मारता उस दरवाजे को। एंड पुशेस इट ओपन, और उसको खोलता है, धकेल करके खोल देता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधी बनी हुई, शेक का मतलब यहां झोपड़ी है, हाफ बिल्ट शेक मीन्स आधी बनी हुई झोपड़ी में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थेस्ट विद डेड ग्रास, जो एक भाग में सूखे घास का छप्पर है। थेस्ट का मतलब होता है छप्पर बना, मतलब छत उसकी घास से, सूखे घास की है। इज अ फायरवुड स्टोव, और फायरवुड स्टोव, और जो एक आग वाला, आग जलाने का चूल्हा है। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, जिसके ऊपर जो है सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब होता है कड़कड़ की आवाज करता हुआ, स्पिनाच लीव्स, पालक की पत्तियों की कड़कड़ की आवाज कर रहा है जो बर्तन, बड़ा सा बर्तन स्टोव के ऊपर रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सिजलिंग स्पिनाच, सिजलिंग स्पिनाच लीव्स का मतलब हुआ कड़कड़, इसलिए कहा हमने कि जैसे आपने देखा होगा कि हरी सब्जी को जब छोंकते हैं तो कैसी आवाज आती है उसकी, तो उसको सिजलिंग साउंड दिया गया नाम, याद रखें। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड यानी भूमि पर, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ा एल्यूमिनियम का प्लेटर्स है, प्लेट रखा है, बड़ा सा प्लेट, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जिसमें चॉप्ड मीन्स कटी हुई अधिक सब्जी रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक दुबली पतली, फ्रेल का मतलब दुबली पतली, यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, संध्या के भोजन को पका रही है, फॉर द होल फैमिली, सारे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक एंड स्माइल्स, और उसकी आंखें जो है भरी हुई हैं विद स्मोक, धुएं से, सी स्माइल्स, हुआ मुस्कराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो वर्षों में ज्यादा सयानी नहीं है, मतलब ज्यादा उम्र की नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू,
और उसको वह शुरू करती है टू कमांड रेस्पेक्ट, मतलब उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है एज द बहू, बहू का उसको क्या किया जाता है, आदर दिया जाता है, एक बहू के रूप में जो है उसको सम्मान प्राप्त करने लगी है, कहता है परिवार के बहू के रूप में सम्मान, कमांड रेस्पेक्ट, बिगेन टू कमांड माने रेस्पेक्ट प्राप्त करने लगी है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और जो उसका डॉटर इन लॉ है उसके मतलब डॉटर इन लॉ का मतलब बहू के रूप में, तो बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं, घर में बहू के रूप में उसको आदर मिलता है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, तीन व्यक्तियों का चार्ज पहले से ही उसके पास है। हाँ यस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, हर हस्बैंड उसका जो पति है मुकेश, मुकेश है और हिज फादर उसका पिता, तीन लोगों का चार्ज है उसके पास, मतलब उस परिवार में अकेली औरत वही है कहने का मतलब। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब वह सयाना, कोई भी सयाना आदमी वहां प्रवेश करता है, तो सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह जो है टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, अपने को ले जाती है, एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट जो है आगे को कर लेती है अपने चेहरे को ढकने के लिए। क्लोजर टू हर फेस का मतलब चेहरे की ओर ज्यादा नजदीक कर लेती है कहने का मतलब। तो फिर क्या होता है देखिए, एज कस्टम्स डिमांड, जैसा कि वहां की प्रथा है, कस्टम का मतलब प्रथा, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कोई भी मेल एल्डर्स है, पुरुष शायाना व्यक्ति है, तो उसके सामने जो बहुए हैं वो क्या करती हैं, अपना चेहरा ढकती हैं। इन देयर केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ट बंगल मेकर, और इस केस में जो है जो सयाने व्यक्ति है वो एन इम्प्रोविस्ट बंगल मेकर, वो एक इम्प्रोविस्ट, इम्प्रोविस्ट का मतलब होता है कंगाल, मतलब बहुत ही गरीब कंगाल चूड़ी बनाने वाला है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इसके बावजूद कहता है लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहला जो है एक दर्जी की तरह, टेलर का मतलब होता है दर्जी की तरह, देन अ बैंगल मेकर, और तब एक चूड़ी बनाने वाले की तरह, दर्जी फिर चूड़ी बनाने वाला, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट, यानी पहले टेलर का काम करता था फिर चूड़ी बनाने का काम करता था, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, वह इतना होने के बाद भी अपना घर रिनोवेट करने में फेल हो गया, यानी अपना घर नया नवीनीकरण करने में फेल हो गया। सेंड हिज ओन सन्स टू स्कूल, अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मैं असमर्थ हो गया, ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और ये सारी चीजें, ऑल ही हैज मैनेज्ड, जो कुछ उसने कर सकने में सफल हुआ हो, कहता है मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, उसने क्या कर, उसने जो है यह काम सिखाया जो स्वयं जानता था, ही नोज माने वो जानता है, जो काम वही उसको सिखाने में जो है वो मैनेज किया उसने। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने का जो आर्ट है। तो स्टूडेंट्स इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं, तो इतना ये काफी है।